कोचेस और एथलेट्स, आज हमारा साथ योगा क्लास के लिए जोड़ रहे विश्वामित्र अवार्डी योगेश मालवीय सर। ये सर मल्लकम का चीफ कोच है, नेशनल कोच है, ये बेसिकली मध्य प्रदेश से। सर एक्चुअली ऑनलाइन में क्लासेस भी ले रहे सर। आज हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ये जो योगा क्लास सर के साथ मिलने के लिए हमको एक अच्छा चांस मिल गया। हम इस चांस को अच्छा यूटिलाइज करेंगे, हम उससे सर से कुछ सीखेंगे, सर तो कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन हमको सिखा भी देगा। सभी को वेलकम करके मैम सर से अनुरोध करता हूँ, क्लास शुरू कर दीजिए सर। योगेश मलिया सर वेलकम। सर थैंक यू सर। जैसा कि आपको सर ने बताया है, मैं आज आपको कुछ योगा एक्सरसाइज बता रहा हूँ। मैं मलखम खेल से जुड़ा हुआ हूँ। इस खेल के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, इंडियन जिम्नास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। योगा आसन जो हम जमीन पे जो आसन करते हैं, वो सारे हमको एक पोल या रोप या लटकन मलखम के ऊपर करना रहते हैं। तो हमारी शरीर को हम किस प्रकार फ्लेक्सिबल और बैलेंस बनाए, इसके लिए कुछ हम एक्सरसाइज जमीन पे हम लोगों को जिस प्रकार कंडीशनिंग रहती है उसी प्रकार हम करते हैं। ये जो मैं एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ, कई बार आपने देखी होगी और साथ में करी भी होगी। आज हम शुरू कर रहे हैं सूक्ष्म यौगिक व्यायाम। इसमें मैं कुछ खड़े होकर सूक्ष्म यौगिक व्यायाम जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसको श्वास प्रश्वास के साथ करना है, और खड़े होकर पीठ के बल, पेट के बल और बैठकर करने वाले हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वाले आसन करेंगे, शुरू करेंगे। इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे थोड़ी कुछ जंपिंग एक्सरसाइज के साथ। मेरे सामने मेरा स्टूडेंट मोनू, वो शुरू कर रहा है जंपिंग एक्सरसाइज के साथ। हम खड़े होकर, सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे, जॉगिंग वाली एक्सरसाइज अपनी जगह पर खड़े होकर कर रहे हैं। शुरू करेंगे सभी लोग पंजे पे जंपिंग एक्सरसाइज के साथ। 25 करना है इसको, अपनी जगह पर खड़े होइए सभी लोग। स्टार्ट करना है अपनी जगह पर। चलिए चेंज, अब अपनी एड़ी को हिप से लगाना है, अपनी एड़ी को हिप से लगाना है, बटक पूरे पैर को उठाना है, जिस प्रकार हम रनिंग करते हैं उस प्रकार एड़ी को हिप से लगाना है। अपनी जगह पर खड़े होके चलिए चेंज, रोप जंपिंग। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चेंज रिद्विक में चेंज देना। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चेंज चेंज लेना है, अपनी जगह पर खड़े होना है। स्टेपलिंग वाली कर, स्टेपलिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चेंज। कमर को ट्विस्ट करने वाली ट्विस्टिंग। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चेंज। खड़े होना है, सीधे खड़े होना है। अब हम कुछ सूक्ष्म योगी व्यायाम के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखना है, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना है। अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये श्वास प्रश्वास के साथ करने वाली एक्सरसाइज है। इसमें श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेके आना है। आगे लाते समय चिन्ह को कंठकूप से लगाना है, फिर से वापस श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। आप सभी लोग ऐसा शुरू करेंगे, फिर से वापस हम श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है।
फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को और प्रेस करना है, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेके आना, चिन्ह को कंठ से लगाना है, फिर से वापस सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, फाइनल पोजीशन में चिन्ह को और प्रेस करना है, फिर से वापस सांस छोड़ते हुए चिन्ह को कंठ से लाना है, फेस के ऊपर ज्यादा तनाव नहीं देना है, फिर से आपका सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेके आना है, चिन्ह को कंठ से लगाना है, इसमें ध्यान देना है, शोल्डर हमारी जगह पर रहेंगे, फिर से वापस सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाना है, फाइनल पोजिशन में चिन्ह को प्रेस करना है, फिर से वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेके आना, चिन्ह को कंठ से लगाना है, फिर से वापस सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेके आना है, चिन्ह को कंठ से लाना है, वापस मध्य स्थिति में लाना है, सेंटर में लाना है गर्दन को, इसी प्रकार दूसरे में गर्दन को दाएं और बाएं, राइट एंड लेफ्ट लेना है, इसमें भी श्वास भरते समय गर्दन को राइट साइड लेके जाना है, श्वास देखिए एक बार डेमोंस्ट्रेशन, श्वास भरते गर्दन को राइट साइड लेके गए, फिर सेंटर में लाना है, यहाँ पर श्वास छोड़ना है, फिर से वापस श्वास भरते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड लेके गए, फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए सेंटर में लाना है। अब हम शुरू करेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन को अपनी राइट साइड लेके जाना है, गर्दन को श्वास भरते हुए लेके जाना है, वापस श्वास छोड़ते हुए वापस, इसी प्रकार श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड लेके जाना है, फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे गर्दन एक सीध में आने की कोशिश करना है, वापस श्वास छोड़ते हुए आना है, फिर से वापस श्वास भरते हुए गर्दन को राइट साइड लेके जाना है, फिर से वापस एक बार फिर से श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड लेके जाना है, श्वास भरते हुए लेके जाना है, वापस फिर से वापस राइट साइड लेके जाना है, श्वास भरते हुए वापस श्वास भरते हुए लेके जाना है, फिर से वापस लेफ्ट साइड, फिर से वापस एक बार फिर से करेंगे राइट साइड, श्वास भरते हुए फिर से वापस एक बार फिर से लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। ये प्रकार दूसरा किया, इसी में अब प्रकार तीसरा ना है, राइट एंड लेफ्ट, गर्दन को राइट साइड लेके जाना है, श्वास भरते हुए अपने कान को कंधे से लगाने की कोशिश करना, फिर से आपस छोड़ते हुए आना, फिर श्वास भरते हुए आना लेफ्ट साइड, फिर से आपस श्वास छोड़ते हुए आएंगे। अब सभी लोग एक साथ शुरू करेंगे, रुको, श्वास भरते हुए गर्दन को अपने राइट साइड लेके जाना है, सीधे कान को सीधे कंधे से लगाना है, वापस श्वास छोड़ते हुए आना है, फिर से वापस श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड लेके जाना है, गर्दन को प्रेस करना है, फाइनल पोजीशन में दोनों कंधे अपनी जगह पर रहेंगे, फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए आना है गर्दन को, एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को अपने राइट साइड लेके जाना है, सिर्फ गर्दन के मूवमेंट होंगे, वापस श्वास छोड़ते हुए आना है, फिर से श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड लेके जाना है, फाइनल पोजीशन में अपने गर्दन को ज्यादा ज्यादा प्रेस करने की कोशिश करना है, इसमें ध्यान देना है, जब हम लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं तो राइट साइड पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, लेफ्ट साइड पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है, फिर से वापस श्वास छोड़ना है, फिर से श्वास भरना है। अब इसी प्रकार जब हम राइट साइड लेके जा रहे हैं तो हमारी लेफ्ट साइड पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, राइट साइड पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है, इसको महसूस करना है, फिर से वापस एक बार फिर से श्वास भरना है, उल्टे कान को उल्टे कंधे से लगाना है, फिर से वापस इस दबाव और खिंचाव को महसूस करना है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, हमारा मन हमारे शरीर के साथ लगा होना चाहिए, फिर से वापस इसको महसूस करना है, एक बार फिर से लेफ्ट साइड श्वास भरते हुए लेके जाना है, फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आना है, एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को राइट साइड लेके जाना है, फाइनल पोजीशन में अपने कान को कंधे से लगाने की कोशिश करना, राइट सीधे कान को सीधे कंधे से लगाने की कोशिश करना है, वापस आना है, एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाना है, वापस। अब हम करेंगे गर्दन रिलैक्स, अब जो हम करेंगे गर्दन को रोटेशन करना है, इसमें सामान्य श्वास लेना है, श्वास अपनी जगह पर ही चलती रहेगी। शुरू करेंगे, गर्दन को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जाना है, फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड लाना है, देख लीजिए इसमें श्वास की गति सामान्य रहेगी। शुरू करना है, अभी आपको देखना है, इसमें ध्यान देना है, फिर से वापस वापस वापस
इसमें ध्यान देना, जो अभी हमने एक्सरसाइज की थी खड़े रहना, जो अभी हमने तीन प्रकार किए थे, उन तीनों प्रकारों को महसूस करते हुए इसको गर्दन को घुमाना है। पहले प्रकार में हमने गर्दन को ऊपर लेके गए थे, जिसमें चिन्ह को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ प्रेस किया था, तो हमारे चिन्ह से लेकर कंठकूप तक खिंचाव आया था, उसको महसूस करना। लेफ्ट साइड लेके गए थे तो गर्दन पर राइट साइड पे खिंचाव आया था। इसको खिंचाव के साथ महसूस करते हुए हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, शुरू करेंगे। श्वास की क्रिया सामान्य रहेगी, राइट साइड से लेफ्ट साइड लाना है, फिर वापस 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 मुनु, फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाना है। इसमें पूरे गर्दन को रोटेशन नहीं करना, हाफ वापस, इसी प्रकार राइट से लेफ्ट साइड और लेफ्ट से राइट साइड लेके जाना है। इसमें श्वास की क्रिया हमारी सामान्य चलती रहेगी, श्वास को रोकना नहीं है। जो अभी हमने एक्सरसाइज की थी, इसके पहले वाले तीनों प्रकार, जिस प्रकार हमको गर्दन में राइट साइड लेके जा रहे थे लेफ्ट साइड में खिंचाव आ रहा था, लेफ्ट साइड लेके जा रहे थे तो राइट साइड में खिंचाव आ रहा था, इस खिंचाव और दबाव को महसूस करना है, इससे हमारी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। रोइंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज सर्वाइकल बोन से लेकर गर्दन तक की एक्सरसाइज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और यह एक्सरसाइज रोइंग प्लेयर के लिए बहुत जरूरी अनिवार्य एक्सरसाइज है। इसको करने से कभी किसी प्रकार का कोई, अगर कोई हल्का सा भी अगर स्ट्रेच आता है तो उसमें रिलैक्स मिलता है। फिर से वापस, वापस रिलैक्स, खड़े होना है। अभी हमने गर्दन रोटेशन किया था, अब हम हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें सीधे हाथ को देख लीजिए किस प्रकार करना, सीधे हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, श्वास भरते हुए सीधे हाथ को ऊपर लेके जाइए। फाइनल पोजीशन में अपने हाथ को ज्यादा ज्यादा ऊपर की तरफ खींचना, और खींची ऊपर की तरफ, हाथ को कान के पास से लगाना है, दूसरा हाथ लेफ्ट साइड में रहेगा। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए आना है, इसी प्रकार लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है और खींचिए। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए आना है, एक बार फिर से आप सभी लोग एक साथ करेंगे। सांस भरते हुए हाथ को सामने से ऊपर की तरफ लेके जाइए, फेस के ऊपर अतिरिक्त तनाव नहीं देना है, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। अब इस स्थिति में हमारे नाभि के ऊपर अतिरिक्त खिंचाव महसूस करना है, हमारे रिब्स पे, पैट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, पूरे पे खिंचाव महसूस करना। वापस सांस छोड़ते हुए आना है बिल्कुल धीरे धीरे, इसी प्रकार लेफ्ट साइड से करेंगे। श्वास भरते हुए अपने उल्टे हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है, पूरे शरीर को ऊपर खींचिए। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए आना है बिल्कुल धीरे धीरे, एक बार फिर से सीधे हाथ को श्वास भरते ऊपर की तरफ लेके आना, फेस के ऊपर तनाव नहीं देना है, फेस को स्मूथली रखना, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखना, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और खींचिए। फाइनल पोजिशन में अपने नाभि के ऊपर अतिरिक्त खिंचाव को महसूस करना है, वापस बिल्कुल धीरे धीरे, इसी प्रकार एक बार फिर से लेफ्ट साइड से करेंगे। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है और खींचिए, वापस श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। अब इसी प्रकार दूसरा करना है एक्सरसाइज में, श्वास भरते हुए हाथ को कंधे के सिर में लेके आना है, साइड से वापस सांस छोड़ते हुए आना, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट करना है। इसी प्रकार लेफ्ट साइड से करेंगे, सांस भरते हुए अपनी हाथ को उठाना है कंधे के सिर में, शोल्डर के सिर में उठाना, वापस एक बार फिर से सांस भरते हुए अपने सीधे हाथ को उठाना है, वापस सांस छोड़ते हुए आना है, एक बार फिर से श्वास भरते हुए, फिर से वापस, एक बार फिर से श्वास भरते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट करना है इसमें। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए आना है, सूक्ष्म योगिक व्यायाम के अंतर्गत आने वाली ये एक्सरसाइज है। फिर से वापस श्वास भरते हुए, वापस श्वास छोड़ते हुए आना है। अब हम करेंगे इसी में प्रकार तीसरा,
सीधे हाथ दोनों हाथों की मुट्ठी बनाना है, चेस्ट के पास रखना है, अंगूठे अंदर की तरफ। इसमें देख लीजिए किस प्रकार करना है, इसमें श्वास भरना है, पूरा श्वास भरना है। पहले देख लीजिए किस प्रकार करना है, श्वास भरिए, पूरा श्वास भरने के बाद दोनों हाथों को 5 बार घुमाना आगे की तरफ, फ्रंट साइड। शुरू करेंगे, निंदु, 1, 2, 3, 4, 5। झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है, झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। देख लीजिए एक बार फिर से करेंगे, एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरिए, मुट्ठी दोनों हाथ चेस्ट के सामने रखना है, शुरू करना है, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ना है, मुट्ठी को छोड़ना है। ठीक है, शुरू करेंगे, सभी लोग एक साथ शुरू करेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के पास रखेंगे, अंगूठे अंदर की तरफ। अब थोड़ा पास करेंगे इसको, श्वास भरिए, शुरू करना है, 1, 2, 3, 4, 5। योगेश एक बार करेंगे, योगेश सर थोड़ा फोन को स्टेबल जी, फोन को थोड़ा स्टेबल रखिए, थोड़ा होल्ड, मतलब ज्यादा मूवमेंट हो रहा। फिर से करेंगे, शुरू करेंगे, 1, 2 झटके के साथ छोड़ना रहेगा, 3, 4, 5 झटके से छोड़ो। चलिए अब इसी प्रकार बैक साइड करेंगे, श्वास भरना है, बैक साइड, 1 पीछे, 2, 3, 4, 5। एक बार फिर से करेंगे, श्वास, शुरू करेंगे पीछे बैक साइड, 1, 2 थोड़ा फास्ट, 3, 4 हाथ को कान के पास से निकालना है, 5 झटके छोड़ना हाथ को। फिर से एक बार करेंगे, श्वास भरिए, दोनों हाथ मुट्ठी बनाना है, अंगूठे अंदर की तरफ, श्वास भरिए, शुरू करना है, 1, 2, 3, 4, 5 झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। अब हम करेंगे शोल्डर के लिए अगली एक्सरसाइज, दोनों हाथों को कोनियों से मोड़ के कंधे के ऊपर रखना है। इसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य रहेगी, शुरू करना है, ये हम लोग जनरली सभी लोग करते हैं। अपने दोनों शोल्डर को घुमाना है 10 बार, 1, 2, 3, 4 पूरे शोल्डर को घुमाना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी प्रकार बैक साइड करना है, घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4 कोशिश करना है बड़े से बड़ा वृत्त बने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी में जो अगली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, सर्वाइकल, जिन लोगों को रोइंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज मानी जाने वाली एक्सरसाइज, मैं ऐसा मेरा मानना है, ये आप सभी लोग के लिए और आप सभी लोग करते भी होंगे इसको, दोनों हाथों को कंधे के सिर में उठाना है। अब दोनों हाथ के पंजों को अपनी तरफ प्रेस करना है, अब दोनों कंधों को घुमाना है, श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य रहेगी, शुरू करना है, 1 सभी लोग एक साथ शुरू करेंगे, 1, 2, 3 हाथ के पंजों को ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर की तरफ खींच के रखना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेंज लेना है। इसी प्रकार बैक साइड, हाथ के पंजे अपनी तरफ खींच के रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब चेंज लेना है। अभी जो हमने ये रोटेशन वाली एक्सरसाइज की थी, अब कमर के ऊपर आना है, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखना है, कमर को घुमाना है, इसमें भी श्वास हमारी सामान्य रहेगी, शुरू करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आना है, श्वास की क्रिया सामान्य, सिर्फ कमर के रोटेशन करेंगे, कमर को घुमाना है राइट साइड से, 1, 2 कमर को पूरी, 4, 5 सिर्फ कमर को घुमाना है, 6, 7, 8, 9, 10 अब चेंज लेना है, दूसरी तरफ से करेंगे, दोनों इसमें इस पोजीशन में दोनों पैर के एड़ी पंजे मिला के रखना है, पैरों में अंतर नहीं रखना है, पैरों को मिला के रखना है, शुरू करना है लेफ्ट साइड से, 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब चेंज लेना है, कलाई को घुमाना है, सीधे हाथ की मुट्ठी बनाना है, अंगूठा अंदर की तरफ रखना है, सीधे पैर को आगे निकालना है, सीधे पैर के पंजे को जमीन पर रखना है, इसमें रोटेशन करना है, सांस की क्रिया सामान्य रहेगी, शुरू करना है वन, सभी लोग शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चेंज लेना है दूसरी तरफ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चेंज लेना है दूसरे हाथ से, लेफ्ट हैंड से करना है, लेफ्ट हैंड मुट्ठी अंगूठा अंदर की तरफ रखेंगे, शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चलिए दूसरी तरफ से इसी प्रकार वन टू, उसी हाथ से करना है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चलिए चेंज, अब दोनों हाथ की कैची बनाना है, कलाई को घुमाना है, शुरू करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चेंज लेना है दूसरी तरफ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चलिए चेंज लेना है, नी के ऊपर वजन देना, दोनों हाथ नी के ऊपर रखना है, अब घुटनों को अंदर से बाहर की तरफ खोलना है, देख लीजिए इसको किस प्रकार करना है, दोनों पैरों के ऊपर वजन देके बाहर अंदर से बाहर की तरफ वन टू, ठीक है, इसमें भी श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य रहेगी, शुरू करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चेंज लेना है, अब बाहर से अंदर की तरफ लेके आना है दोनों घुटनों को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चलिए अब हम करेंगे ताड़ासन। अब हम आ रहे हैं सूक्ष्म यौगिक व्यायाम के, हमने कुछ प्रकार किए, 40 मिनट की हमारी क्लास रहने वाली है। अब हम कर रहे हैं ताड़ासन, दोनों पैरों में अंतर रखना है, दोनों हाथ को कंधे के सिद्ध में उठाना है, दोनों हाथ को कंधे के सिद्ध में उठाइए, दोनों हाथों की कैची बनाना है, रुकिए, फाइनल पोजीशन, हाथ कंधे के सिद्ध में रखो, कैची बनाओ, अब दोनों हाथ की कैची को सामने की तरफ खोलना है, खोलिए, अभी इसमें पूरे कंधों पूरे शरीर को आगे की तरफ पुश करना है, और आगे पुश करिए, और आगे पुश करिए, अब सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को दोनों पैरों की एड़ी को ऊपर की तरफ उठाना है, उठाइए, साथ में अपने दोनों पैरों के एड़ी को उठाना है, फाइनल पोजिशन में पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है, एक स्थिर अवस्था में रोकना है, इस स्थिति में हमारे नाभि से लेकर हाथ के पंजे तक पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करना है, पीछे पीठ पर भी खिंचाव महसूस करना है, श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है, फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को कंधे के सिरे लेके आएंगे, साथ में अपनी एड़ी नीचे लेके आएंगे, वापस हथेली को अपनी तरफ घुमाना है, हाथ नीचे लेके आना है, इसको तीन बार हम लोग करेंगे, एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों पैरों में अंतर रखना है, दोनों हाथों को कंधे के सिर में उठाना है, कैची बनाना है, दोनों हाथों की हथेली को घुमाना है, पूरे शरीर को कंधों को आगे की तरफ पुश करिए और पुश करिए, खींचिए, आप श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, उठाइए दोनों हाथों को, फाइनल पोजिशन में पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करना है, अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है, एक स्थिर अवस्था में रोकना है, फिर से वापस दोनों हाथों को कंधे के सिर में लेके आना है, हथेली घुमाना है, दोनों हाथों को वापस यथा स्थिति में लेके आना है, एक बार फिर से इसी क्रिया को करेंगे,
फिर से वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के सिर मिलाइए, केची बनाइए, हथेली को सामने की तरफ घुमाइए, दोनों कंधों को आगे की तरफ पुश करना, श्वास को बाहर छोड़ना है। अब वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाइए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। अब इस स्थिति में अपनी श्वास सामान्य चलने देना, नाभि के ऊपर खिंचाव महसूस करना और खींचिए ऊपर की तरफ। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए वापस हाथ को कंधे के सिर में लाना है, हथेली घुमाना है, श्वास भरना है। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को यथास्थिति में लेके आना। अब हम आज जो करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बारे में सभी लोग जानते हैं। सूर्य नमस्कार को हमको श्वास प्रश्वास के साथ करना है। इसमें देख लीजिए किस प्रकार करना है। इसमें श्वास प्रश्वास के ऊपर विशेष महत्व देना है, सामने लेना, बिल्कुल रिलैक्स होकर रहना है। आप सभी लोग भी साथ में करिए। सबसे पहले हमको करना नमस्कार मुद्रा 1। अब इस स्थिति में अपनी श्वास भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। 2 में श्वास भरते हुए ताड़ा आसन, पीछे बैक साइड जाना, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की कोरियों को मिलाकर पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए। अब वापस श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे पादहस्तासन 3, 3, सिर को घुटने से लगाना है। फाइनल पोजिशन में कोशिश करना है अपने सिर को दोनों घुटने के बीच में लाने की कोशिश करना है। अब श्वास भरते हुए 4 अपने लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाना है, उल्टे पैर को पीछे लेके जाना है। फाइनल पोजिशन में दोनों हाथों के बीच में अपने पैर रहेगा, श्वास भरना है, आसमान की तरफ देखना है। 5 श्वास छोड़ते हुए अपने सीधे पैर को पीछे लेके जाना है। ये सबसे महत्वपूर्ण पोजिशन है पठार आसन। अपनी हिप्स को उठा के रखना है, कमर हिप्स को उठा के रखना है। 6 अष्टांग टिकाना है। अब इस स्थिति में ना तो श्वास लेना है, दोनों हाथों में थोड़ा सा अंतर रखना है। इस स्थिति में नाक 8 अंग टिकते हैं, जिसमें दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, नाक, कपाल और दोनों हाथ के पंजे, ऐसे 8 अंग टिकते हैं। और इसमें ना श्वास लेना है, ना श्वास को बाहर छोड़ना है। ये कुंभक की स्थिति है। इस स्थिति में ना श्वास भरना है, ना श्वास को बाहर छोड़ना है। 7 श्वास भरते हुए भुजंग आसन में आना है। इस स्थिति में श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाना है। फाइनल पोजिशन में ज्यादा से ज्यादा अपने चिन्ह को ऊपर की तरफ प्रेस करना है, दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के रखना है। इस स्थिति में पीछे के दोनों पैर की एड़ी मिला के रखना है। जब हम इसको करते हैं तो पैरों की एड़ी खोल लेते हैं, ये पैर मिले हुए रहेंगे। 8 श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों की एड़ी को जमीन पर टिकाना, सबसे महत्वपूर्ण पोजिशन है पर्वतासन की, ये प्रकार दूसरा पर्वतासन का, एड़ी को जमीन पर टिकाना है। 9 अपने लेफ्ट पैर को आगे लेके आना, दोनों हाथ के बीच में, सबसे महत्वपूर्ण पोजिशन भी बताई गई है ये वाली। इस स्थिति में हमारे लीवर पे जांघ से लेके घुटने तक के भाग से पैट के ऊपर अतिरिक्त दबाव आता है। 10 वापस श्वास भरते छोड़ते हुए अपने सीधे पैर को लेके आना, सिर को घुटने से लगाना है। 11 श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे मिलाते हुए दोनों हाथों को पीछे बैक साइड लेके जाएंगे। 12 नमस्कार मुद्रा में आना है, श्वास भरना है, तो श्वास को वापस छोड़ना है, दोनों हाथ नीचे लेके आना है। एक बार फिर से इसी सूर्य नमस्कार को हम 3 बार करेंगे, श्वास प्रश्वास के साथ करना है। 1 नमस्कार मुद्रा, लंबी गहरी श्वास भरना है, लंबी गहरी श्वास को बाहर छोड़ना है। 2 श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कोहनियों से मिलाते हुए पीछे बैक साइड जाना है। 3 श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे पूरे शरीर को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आना, सिर को घुटने से लगाना है, दोनों पैर के पंजे के पास दोनों हाथ के पंजे रखना है, कोशिश करना है पैरों को घुटने से सीधा रखना है, कमर को और ढीला छोड़ने की कोशिश करना है। धीरे धीरे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बढ़ती है। 4 अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाना है, सीधा पैर आगे रहेगा, श्वास भरते हुए। 5 श्वास छोड़ते हुए सीधे पैर को पीछे लेके जाना है, सामने देखना है, कमर उठा के रखना है, हिप्स और कमर को उठा के रखना है। 6 अष्टांग टिकाना है। इस स्थिति में ना तो श्वास भरना है, ना श्वास को बाहर छोड़ना है, कुंभक की स्थिति रोक के रखना है।
सात, श्वास भरते हुए भुजंगासन में आना है, आठ, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों की एड़ी को जमीन पर टिकाना है, एड़ी को टिकाइए जमीन पर, नौ, श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को आगे लेके आना है, दस, अपने दाहिने पैर को आगे लेके आना है, सिर को घुटने से लगाना है, अभी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी है, ग्यारह, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे बैक साइड लेके जाना है, बारह, नमस्कार मुद्रा में आना है, श्वास भरना भरते हुए आना है, श्वास को आप छोड़ना है, दोनों हाथ नीचे लेके आना है, एक बार फिर से इसी क्रिया को हम करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में आना है, एक, श्वास को बाहर छोड़ना है, अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे बैक साइड लेके आना है, दो, कोहनी को मिलाते हुए दोनों हाथों की, तीन, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आना है, इसमें ध्यान देना है, श्वास छोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने कमर को और ढीला छोड़ना है, सिर को घुटने से लगाना है, अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथ के पंजों को जमीन पर टिकाना है, पांच, अपने सीधे पैर को पीछे लेके आना है, सामने देखना है, कमर उठा के रखना है, छह, अष्टांग टिकाना है, दोनों पैर के पंजे, दोनों घुटने, नाक, कपाल, ये आठ अंग जमीन पर टिके हुए रहेंगे, इस स्थिति में ना श्वास भरना है ना श्वास को बाहर छोड़ना है, कुंभक की स्थिति, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आना है, सात, भुजंगासन में फाइनल पोजिशन में अपने चिन्ह को ज्यादा ज्यादा ऊपर की तरफ प्रेस करना है, दोनों कंधों को पीछे ढीला छोड़ना है, एड़ी जमीन पर लगा के रख, दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई रहेगी, आठ, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन पर लगाना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोजिशन है, एड़ी को जमीन पर लगाने की कोशिश करना है, पठार आसन, पैरों को घुटने से सीधा रखना है, नौ, अपने उल्टे पैर को आगे लेके आना है दोनों हाथ के बीच में, दस, सीधे पैर को आगे लेके आना है, सिर को घुटने से लगाना है अपने, ग्यारह, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, बारह, नमस्कार मुद्रा में आना है, दोनों हाथ नीचे की तरफ लेके आना है, सूर्य नमस्कार सभी लोग हम लोग करते हैं, सूर्य नमस्कार करने से हमारी बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग होती है लेकिन राइट और लेफ्ट साइड के लिए कुछ नहीं होता, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जब भी हम सूर्य नमस्कार लगा रहे हैं तो अर्ध चक्रासन जरूर करना चाहिए, तो हम सभी लोग करेंगे अर्ध चक्रासन, अपने सीधे हाथ को कंधे के सिद्ध में उठाना, एक, उठाइए सीधे हाथ को कंधे के सिद्ध में, हथेली को आसमान की तरफ घुमाना है, दो, तीन में सीधे हाथ को अपने कान के पास लेके आना है, ऊपर की तरफ उठाइए, तीन, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और खींचिए, श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, आप श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ झुकना है, चार, अपने बाईं तरफ झुकिए, इस स्थिति में बाएं हाथ के पंजे को बाएं घुटने से नीचे ले जाना, आगे पीछे झुकना नहीं, हाथ कोहनी से सीधा रखना है, हाथ को कोहनी से और सीधा रखिए, इस स्थिति में दोनों पैरों के ऊपर समान वजन देके देना रखना है, फाइनल पोजिशन में हमारे सीधे हाथ पर सीधे हाथ की के पंजे से सीधे पैर के एड़ी तक अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, बाईं तरफ बाएं पैर की एड़ी से बाएं कंधे तक अतिरिक्त दबाव आ रहा है, इस खिंचाव और दबाव को महसूस करना है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या आसन करते हैं खिंचाव और दबाव को महसूस करेंगे, फिर से वापस श्वास भरते हुए अपने सीधे हाथ को कंधे के सिद्ध में उठाना है, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, एक, हाथ को कंधे के सिद्ध में लाना है, दो, हाथ को नीचे सीधा रखते हुए लेके आना है, हथेली को जमीन की तरफ घुमाना है, तीन, हाथ को वापस यथा स्थिति में लाना है, चार, अब इसी प्रकार अपने उल्टे हाथ से करेंगे, लेफ्ट हैंड से करेंगे, हाथ को कंधे के सिद्ध में उठाना है, श्वास भरते हुए एक,
हथेली को घुमाना है, श्वास छोड़ते हुए दो, तीन में श्वास भरते हुए हाथ को कंधे के सिद में लेके आना है, ऊपर लेके जाइए तीन, श्वास भरते हुए फाइनल पोजीशन में हाथ को कान के पास लगाना है, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और खींचिए, ऊपर खींचिए चार। अब अपने सीधे हाथ की तरफ झुकना है, सीधे हाथ के पंजे को सीधे घुटने से ज्यादा नीचे की तरफ लेके जाना, हाथ को नीचे सीधा रखना है। इस स्थिति में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, अभी जब हम सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ झुक रहे थे तो हमारी सीधे हाथ की तरफ खिंचाव आ रहा था, अभी इसमें उल्टा है, अभी उल्टे हाथ की तरफ खिंचाव आ रहा है, सीधे हाथ की तरफ दबाव आ रहा है, आगे पीछे झुकना नहीं है, दोनों पैरों के ऊपर समान वजन देके रखना है। फिर से वापस श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है, एक पूरे सिर को ऊपर की तरफ खींचिए, दो हाथ कंधे के सिर में लेके आना है, तीन हथेली को घुमाना है, चार हाथ को नीचे लेके आना है वापस। ये अभी हमने अर्ध चक्रासन किया था, सीधे लेटना है, पीठ के बल लेटना है, पीठ के बल सीधे लेट जाइए, दोनों पैरों में अंतर रखना है। अब हम करेंगे शवासन, रिलैक्स करना है, दोनों पैरों में अंतर रखना है, एड़िया अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, रिलैक्स होके शवासन करना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है, रिलैक्स करना है, आंखें बंद रखना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे, पूरे शरीर को तनाव मुक्त रखना है, मन में भी कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, हमारा मन हमारे शरीर के साथ लगा होना चाहिए। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। धीरे से अपने दोनों पैर के अंगूठे उंगलियों को हिलाना है, दोनों हाथ के अंगूठे उंगलियों को हिलाना है, दोनों पैर के एड़ी पंजों को मिलाना है, धीरे से अपनी आंखें खोलना है, दोनों हाथ अपने जांघ से लगा के रखना है। अब हम करने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन। सभी लोग हम खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने इस आसन को किया होगा, तो इसको बैठ जाइए आप सभी लोग, आप सभी लोग बैठ के एक बार देख लीजिए इसको किस प्रकार करना है। पवन मुक्त आसन, हथेलिया जमीन पर रखना है, हाथ की सीधे पैर को अपने 30 डिग्री एंगल उठाना है, सीधे पैर को 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल, पैर को घुटने से 90 डिग्री एंगल पर सीधा रखना है। अब सीधे पैर को घुटने से मोड़ के पेट की तरफ लेके आना है, दोनों हाथ की कैची बनाना है, घुटने के ऊपर रखना है, पेट को ज्यादा दोनों हाथ से कैची घुटने को ज्यादा पेट की तरफ दबाना है। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है, श्वास भरते हुए गर्दन को उठाइए, अपने चिन्ह को घुटने से लगाना है, दूसरा पैर हमारा जमीन पर ही लगा हुआ रहेगा, एक स्थिर अवस्था में रोकना है, यहाँ पर हमारी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। फिर से वापस एक लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास को बाहर छोड़ना है, और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेके आना है, एक दोनों हाथ की कैची खोलना है, हथेली पर अब पैरों को वापस 90 डिग्री एंगल तक सीधा उठाना है, तीन धीरे धीरे पैर को जमीन की तरफ लेके आना है, 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। हम सभी लोग इस आसन को करेंगे इसी प्रकार, राइट साइड लेफ्ट साइड से भी करना रहेगा, सभी लोग पीठ के बल लेट जाइए। पवन मुक्त आसन, इस आसन को करने से पेट से संबंधी जो विकार रहते हैं, जिन लोगों को आप कब्जे की बीमारी या गैसेस संबंधी कोई समस्या रहती, गैस अगर पास नहीं हो रही तो इस आसन को करने से तुरंत गैस पास होती है। शुरू करेंगे पीठ के बल लेटने का, सीधे पैर को 30 डिग्री एंगल उठाना है, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल, पैर घुटने से सीधा रखना है 90 डिग्री एंगल पर, पैर को दाएं बाएं झुकाना नहीं है। अब पैर को घुटने से मोड़ते हुए पेट की तरफ लेके आना है, दोनों हाथ की कैची बनाना है,
तीन, दोनों हाथ की कैंची बनाइए, घुटने को ज्यादा ज्यादा पेट की तरफ दबाइए। आप श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है, उठाइए, श्वास भरते हुए गर्दन को चिन्ह को घुटने से लगाना है। दूसरा पैर हमारा जमीन पर ही टिका हुआ रहेगा। इस स्थिति में हमारी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। वापस दोनों हाथ की कैंची खोलना, गर्द श्वास भरते हुए श्वास भरना है, श्वास छोड़ते गर्दन को नीचे लेके जाना, एक दो में दोनों हाथ की कैंची खोलना है, हथेले जमीन पर रखना, दो तीन में पैर को 90 डिग्री एंगल तक सीधा करना है, तीन चार में पैर को जमीन की तरफ लेके आना है, धीरे धीरे 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। इसी प्रकार अब हम अपने बाएं पैर से करेंगे, बाएं पैर को 30 डिग्री एंगल उठाना, लेफ्ट पैर को 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, देन 90 डिग्री एंगल, पैर को घुटने सीधा रखना है 90 डिग्री एंगल पर, पैर को घुटने से मोड़ना है, दो पैर की तरफ लेके आइए, तीन में दोनों हाथों की कैंची बनाना है, तीन ज्यादा ज्यादा घुटने को पैर की तरफ दबाना है। अब चार में श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है, चार फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को घुटने से लगाना है। दूसरा पैर हमारा जमीन पर लगा हुआ रहेगा, पैर को जमीन से उठाना नहीं है। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन में दर्द रहता है, उसको गर्दन को नहीं उठाना रहेगा। फिर से वापस श्वास भर रहा है और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेके आना है, एक दोनों हाथों की कैंची खोलना है, दो हथेलियां जमीन पर, तीन पैरों को 90 डिग्री एंगल तक सीधा लेके जाना है, चार वापस पैर को धीरे धीरे जमीन की तरफ लेके आना, 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। अब इसी में दोनों प्रकार से अभी जो हमने किया था अर्ध पवन मुक्त आसन किया था, ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब इसी प्रकार हम दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों को मिला के रखना है, दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री एंगल उठाना है, करेंगे दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ उठाना है 45 डिग्री एंगल। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आसन, जब भी हम करते हैं तो उसका आने और जाने में ज्यादा महत्व रहता है। 60 डिग्री एंगल ये एब्डोमेंस के लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, तीनों एंगल हम बनाते हैं, देन 90 डिग्री एंगल, पैर को घुटने से सीधा रखना है। हमारी 90 डिग्री एंगल पर जब हम रोकते हैं तो हमारी कोर मसल्स के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है, पैर की तरफ लेके आना है, दोनों हाथ की कैंची बनाना है, दोनों हाथ की कैंची बना के घुटने को ज्यादा ज्यादा पैर की तरफ दबाना है और दबाइए। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को उठाना है, फाइनल पोजिशन में अपने चिन्ह को कंठपुट से लगाना है और एक स्थिर अवस्था में रोकना है। अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। यथाशक्ति रोकने के बाद श्वास भरते हुए श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को वापस यथास्थिति में लेके आना है, एक गर्दन को जमीन की तरफ लेके आना है। आप दोनों हाथ की कैंची खोलना है, दो हथेलियां जमीन पर रखना है, पैरों को 90 डिग्री एंगल तक सीधा ऊपर की तरफ लेके जाना है, तीन दोनों पैरों को एक साथ 60 डिग्री एंगल लेके आना है, 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, देन रिलैक्स। अभी हमने पीठ के बल लेटने वाला पवन मुक्त आसन किया है, अब इसी में हम करेंगे नौका आसन। दोनों हाथों को नौका आसन में देख लीजिए, सीधे हाथ की तरफ करवट लेके बैठ जाइए, सीधे हाथ की तरफ करवट, सभी लोग बैठ जाइए। आप सभी लोग नौका आसन के प्रकार, दो प्रकार से हम लोग करते हैं नौका आसन, इसको देख लीजिए किस प्रकार करना है। पहले प्रकार में अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, एक हाथ के पंजों को ऊपर की तरफ, पैर के पंजों को जमीन की तरफ खींचना है, इस प्रकार देख लीजिए। आप श्वास भरते हुए श्वास छोड़ना है, फिर से श्वास भरना है, श्वास भरते हुए उठिए ऊपर की तरफ, दोनों हाथ और पैरों को एक साथ उठाना है,
फाइनल पोजीशन में इस प्रकार रोकना है, इस स्थिति में अपनी श्वास सामान्य चलने देना है, फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए वापस जमीन की तरफ जाना है, एक लेके जाइए दोनों हाथों को दोनों पैरों को जमीन की तरफ, इसी में एक बार फिर से इसमें प्रकार दूसरा करना रहेगा, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए घुटने के फल लेके आना, दोनों हाथों दोनों पैरों को उठाइए, एक दो में दोनों हाथों को घुटने के पास में लेके आना, दो, ये दो प्रकार से हम नौकासन करेंगे, ये भी पैट के लिए बहुत अच्छा है, एब्डोमिन्स के लिए बहुत अच्छा है। वापस श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों हाथों दोनों पैरों को यथास्थिति में लेके जाना है। वापस इस आसन को करने से हमारे पेट के मसल्स बहुत अच्छे होते हैं, कोई सा भी बैलेंसिंग कोई सा भी खेलो बिना बैलेंस और बिना एकाग्रता के उस खेल में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस आसन का अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारे खेल में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। शुरू करेंगे, लेट जाइए पीठ के बल, अभी रखना हाथ नीचे, पीठ के बल सीधे लेट जाइए सभी लोग। पैर के मसल्स के लिए बहुत अच्छा नौकासन शुरू करेंगे, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सिर के पीछे लेके आना, एक ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथ हमारे कान से टच रहेंगे, दोनों ऊपर की तरफ खींचना, पैर के पंजों को नीचे की तरफ, हाथ जमीन पर टच करके रखना है। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल तक उठाना है, उठाइए उठाइए दोनों हाथ और दोनों पैरों को, और एक स्थिर अवस्था में रुकना, 30 डिग्री एंगल और 45 डिग्री एंगल के बीच में रुकना, हाथ थोड़ा सा पीछे रहेंगे और हाथ को उठाने की कोशिश करिए। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, रोक के रखना है, कोशिश करना है। इसमें ग्रेस के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, थोड़े से पैर के पंजों को आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो हमारे पेट के ऊपर अतिरिक्त लोड आएगा। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों और पैरों को जमीन की तरफ लेके आना है, रिलैक्स। वापस जब हम अगर अपने दोनों पैर के पंजों को अंगूठों को खींचने की कोशिश करेंगे तो हमारे एब्डोमेन पे अतिरिक्त लोड आएगा। शुरू करेंगे, फिर से वापस श्वास भरते हुए दोनों हाथों पैरों को एक साथ उठाना है, अप उठाइए, तो उठाइए पैर और हाथ को उठाइए, पैर के पंजों को खींचना है, पैर की कोशिश करना है, पैर के अंगूठे हमारे आगे की तरफ नीचे की तरफ खींचना है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए वापस जमीन की तरफ लेके आना है। अब इसी में प्रकार दूसरा करना है, दोनों हाथों को घुटने के फल लेके आना है, अब उठाइए श्वास भरते हुए उठिए, पैरों को भी उठाइए, अब दोनों हाथों को घुटने के पास में लेके आना है, रोक के रखना है, एक स्थिर अवस्था में रोकना है। सभी लोग करेंगे, एक स्थिर अवस्था में रोकना है, इस स्थिति में हमारी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ और दोनों पैरों को यथास्थिति में लेके आना है, एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए उठिए वापस, अप, एक स्थिर अवस्था में रोकना है, श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है, पैरों को घुटने से सीधा रखना है। फिर से वापस दोनों हाथ को नीचे दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आना है, रिलैक्स, दोनों हाथ यथास्थिति पास में लेके आना, रिलैक्स करना है, दोनों हाथ साइड में रखना है, श्वास सामान्य चलने देना है, श्वास को रोकना नहीं है, दोनों पैरों में अंतर रखिए, एड़ियां अंदर की तरफ पंजे बाहर की तरफ, हथेलियां खुली रखना है, आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। अभी जो हमने एक्सरसाइज की है, इस एक्सरसाइज को करने से शरीर में अगर कहीं किसी प्रकार का कोई दर्द हो रहा, पूरे शरीर को ढीला छोड़िए, पैर के पंजों को ढीला छोड़ना है, दोनों हाथ के पंजों को ढीला छोड़ना है। अभी जो हमने आसन किए हैं, इन आसनों को करने से शरीर में अगर कहीं किसी प्रकार का कोई दर्द हो रहा हो तो अपनी सांस प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते हुए भाग को ढीला छोड़ना है और ढीला छोड़ना है, लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, सीधे हाथ की तरफ करवट लेके बैठक की स्थिति में आना है, बैठ जाइए, बैठना है। सर ये 40 मिनट की ही लेना है कि हमको? आपको कंटिन्यू कर सकते हैं सर, कर सकते हैं कंटिन्यू।
अभी हमने ये आसन पीठ के बल लेटने वाले दो प्रकार के हमने आसन किए थे, अब इसी प्रकार पेट के बल लेटने वाले हम आसन करेंगे, क्योंकि जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग को बहुत अच्छे से करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, खासकर रोइंग वाले जो रहते हैं उनका बैठक का ज्यादा रहता है, तो उनको स्पाइन संबंधी, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस संबंधी कई बीमारियां उनमें बहुत एक समय के बाद। लेकिन हम अगर नियमित बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ अगर बैकवर्ड बेंडिंग के आसन करते तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहता है, और खासकर हमारी शोल्डर की स्ट्रेंथ और अच्छी बढ़ती है। पेट के बल पहले देख लीजिए किस प्रकार करना है, पेट के बल उल्टे लेटना है, ये एक में सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है, दो में उल्टे पैर को मोड़ना है, पीछे बैक साइड जाना है, पेट के बल उल्टे लेटना है, दोनों हाथ पीछे रखना है हथेलियां जमीन पर, पेट के बल लेटने वाली स्थिति में इस प्रकार की हमारी पोजीशन रहती है। अब हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, पहले आप देख लीजिए निरालंबो भुजंगासन। भुजंगासन के तीन प्रकार है, तो अभी हम पहले सबसे पहले हम कर रहे हैं निरालंबो भुजंगासन। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कंधे के पास में लेके आना है, एक कपाल को जमीन पर लगाना है, अब श्वास भरते हुए नाक चिन्ह जमीन से टच करते हुए ऊपर की तरफ उठना है, दो फाइनल पोजीशन में दोनों हाथ के पंजे को जमीन से ऊपर की तरफ उठाना है, फाइनल पोजीशन में अपने चिन्ह को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ प्रेस करना है। इस स्थिति में ध्यान देना है हमारे दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के रखना है, एड़िया खोलना नहीं है। फिर से आपस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे चिन्ह को जमीन पर लेके आएंगे, पहले चिन्ह को लाना है, फिर नाक को, फिर कपाल को, दोनों हाथों को वापस पीछे की तरफ लेके जाना है। ये हमारा पहला, सामने देखना है, पहला हमारा रहेगा निरालंब भुजंगासन। दूसरा प्रकार हमारा रहेगा अर्ध शल्भासन। दोनों हाथों को अपनी जांघ के नीचे रखना है, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखना है। अर्ध शल्भासन में पहले अपने सीधे पैर को उठाना है, श्वास भरते हुए अपने सीधे पैर को उठाना है, देख लीजिए किस प्रकार करना है, फिर आप सभी लोगों को हम साथ में करेंगे, अभी आपको देखना है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे की तरफ लेके आना है, इसी प्रकार हम दोनों पैरों से अर्ध शल्भासन करेंगे, सीधे और उल्टे पैर से, श्वास भरते हुए उल्टे पैर को उठाना है, फाइनल पोजिशन में अपने पैरों को घुटने से सीधा रखना, दाएं बाएं झुकाना नहीं है, पैरों को घुटने से मोड़ना नहीं है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए जमीन की तरफ लेके आना है, ये हमारा अर्ध शल्भासन दोनों पैरों से। इसमें प्रकार तीसरा हमारा रहेगा भुजंगासन। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के कंधे के पास में लेके आना है, कपाल को जमीन पर लगाना है, नाक चिन्ह जमीन से टच करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है, दोनों हाथों को कोहनियों से सीधा करना है, कंधों को पीछे लेके जाना है, एड़ियों को मिला के रखना है। जब हम एड़ियों को मिलाने की कोशिश करते, दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाओ, जब हम एड़ियों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो हमारी बोन के ऊपर अतिरिक्त दबाव आएगा, शरीर के आगे वाला भाग नाभि से लेकर चिन्ह तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आएगा, इस खिंचाव दबाव को महसूस करना है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन की तरफ आना है, पहले अपने चिन्ह को जमीन पर लगाना है, चिन्ह को लगाना है पहले जमीन पर, दाढ़ी को जमीन पर लगाना है, फिर नाक को, फिर कपाल को। अब इसी में प्रकार उत्तानासन हम जो करेंगे, दोनों हाथों को जांघ के नीचे लेना है, शवासन। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर की तरफ उठाना है, श्वास भरते हुए उठाइए ऊपर की तरफ, फाइनल पोजीशन में दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के रखना है और एक स्थिर अवस्था में रोकना है। हमारे चिन्ह को जमीन पर लगा के रखना है, चिन्ह को जमीन से उठाना नहीं है। फिर से वापस दोनों पैरों को जमीन की तरफ लेके आएंगे बिल्कुल धीरे धीरे। अब इसी में जो प्रकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आसन है, आप सभी लोग कोशिश करेंगे तो सभी लोगों से होगा, पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथों को कोहनियों से मुड़ के कंधे के पास में रखना रहेगा, एक कोहनिया आसमान की तरफ रहेगी, दो में श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठना, दो, अब तीनों में, तीन में दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना, तीन, फाइनल पोजीशन में अपने दोनों पैर के पंजों को सिर पे लगाना है, कोशिश करना रहेगी, दोनों पैर के घुटने मिले हुए रहेंगे, चार, एक स्थिर अवस्था में रोकना है। यहाँ पर अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं, आसन को छोड़ना है, वापस दोनों पैरों को जमीन की तरफ लेके आना, एक,
दो में अपने दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ के वापस यथास्थिति में आना। दो तीन में पहले अपने चिन्ह को जमीन पर लगाना है, फिर नाक को, फिर कपाल को। चार दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, सामने देखना है। अब हम सभी लोग करेंगे एक साथ, सभी लोग करेंगे। पेट के बल उल्टे लेट जाइए सभी लोग। इन आसनों को जब हम श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं तो हमारे शरीर पर एक अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है और हमारा ध्यान भी, मन भी हमारा एकाग्र चित्त रहता है। मैं कुछ डिमोन्स्ट्रेशन आपको, अगर मैं सर से बात करके, हमने अभी हमारे लॉकडाउन के अंदर हमने हमारे घर पर ही रोप मलखम और मलखम लगा रखा है, तो उसका एक छोटा सा डिमोन्स्ट्रेशन भी कभी सर से बात करके किसी दिन हमारी रहेगी क्लास, तो उसमें ये जो आसन हम जमीन पे कर रहे हैं वो सारे आसन हम रोप मलखम रस्सी के ऊपर और पोल के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, एक खंबे के ऊपर करते हैं। चलिए अब हम करेंगे अर्ध निरालंब भुजंगासन। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ना है, कंधे के पास में लाना है। एक कपाल को जमीन पर लगाना है। कोहनियां हमारी आसमान की तरफ उठी हुई रहेगी, कोहनियां हमारी आसमान की तरफ उठी हुई रहेगी। कपाल को जमीन पर लगाना है। श्वास भरते हुए नाक चिन्ह जमीन से टच करते ऊपर की तरफ उठना है। दो फाइनल पोजिशन में अपने दोनों हाथ के पंजों को उठाना है। सभी लोग अपने दोनों हाथ के पंजों को उठाइए। फाइनल पोजिशन में दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाने की कोशिश करिए। चिन्ह को ज्यादा ऊपर की तरफ उठाना है। इस स्थिति में हमारे चिन्ह से लेकर नाभि तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। शरीर के पीछे वाला भाग, गर्दन से लेकर कमर तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। इस दबाव और खिंचाव को महसूस करना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथ के पंजों को जमीन पर लाना है। चिन्ह को जमीन पर लाना है, नाक को जमीन पर लाना है, दोनों हाथों को पीछे लेके आना है। ये अभी हमने किया, सामने देखना है। ये अभी हमने किया है निरालंब भुजंगासन, बिना हाथ के सारे लिए किया है। अब हम करेंगे अर्ध सल्वासन। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखना है। अब श्वास भरते हुए अपने सीधे पैर को उठाना है। श्वास भरते हुए अपने राइट लेग को उठाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। फाइनल पोजिशन में अपने पैर को दाएं बाएं झुकाना नहीं है, पैर को घुटने से सीधा रखना है और पैरों को ज्यादा उठाइए सभी लोग। इस स्थिति में हमारे उदर पृष्ठ पर अतिरिक्त भार आ रहा है। चिन्ह को जमीन पर लगा के रखना है, पैर को दाएं बाएं झुकाना नहीं है। वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आना पैर को वापस। अब इसी प्रकार लेफ्ट लेग से करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को उठाना है, श्वास भरते हुए उठाइए उल्टे पैर को। फाइनल पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा पैर को उठाने की कोशिश करना है, पैर को दाएं बाएं झुकाना नहीं है। चिन्ह को जमीन पर लगा के रखना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को जमीन की तरफ लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार फिर से इसी क्रिया को हम दोहराएंगे, फिर से इसी क्रिया को एक बार करेंगे। दोनों हाथ जांघ के नीचे रखिए, एक बार फिर से अर्ध सल्वासन करेंगे। अपने सीधे पैर को उठाइए, श्वास भरते हुए उठाइए सीधे पैर को और उठाइए, सीधे पैर को उठाइए। पैर को घुटने से सीधा रख के दाएं बाएं झुकाना नहीं है पैर को। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन की तरफ लेके आना है। इसी प्रकार एक बार बाएं पैर से करेंगे। अपने बाएं पैर को उठाइए श्वास भरते हुए। इस स्थिति में हमारे पैर की अंगूठे उंगलियों से लेकर जंघा तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। शरीर के पीछे वाला भाग, एड़ी से लेकर कमर तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। इस दबाव और खिंचाव को महसूस करना है। वापस बिल्कुल धीरे धीरे पैर को जमीन की तरफ लेके आना है। अब हम करेंगे रिलैक्स। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को कोहनियों से मुड़ के कंधे के पास में लेके आना है। एक कपाल को जमीन पर लगाइए अपने, नाक चिन्ह जमीन से टच करते श्वास भरते ऊपर की तरफ उठना है। दो उठिए, फाइनल पोजीशन में दोनों पैरों की एड़ियों को मिला के रखना है। इस स्थिति में शरीर के आगे वाला भाग, नाभि से लेकर चिन्ह तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। दोनों कंधों को पीछे रखना है। शरीर के पीछे वाला भाग, गर्दन से लेकर कमर तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है।
ऊपर आसमान की तरफ देखिए सभी लोग। इस स्थिति में हमारी कमर के ऊपर अतिरिक्त दबाव आ रहा है, इस दबाव और खिंचाव को महसूस करना है, हमारी श्वास की क्रिया सामान्य चलने देना है। जिन लोगों को कमर से संबंधित अगर कोई दर्द रहता है या कमर में कोई प्रॉब्लम रहती है तो इस आसन को करने से उसमें उसको अतिरिक्त लाभ मिलता है। एड़ी मिला के रखना है, हमारे शरीर की बैकवर्ड बेंडिंग बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, वापस श्वास छोड़ते बिल्कुल धीरे धीरे। चिन्ह को जमीन की तरफ लेके आना है, दो कपाल को जमीन पर लगाना है, दोनों हाथों को यथास्थिति वापस लेके जाना है। अभी मैं जो आपको आसन करा रहा हूँ, हम एक्सरसाइज के रूप में इन आसनों को कर रहे हैं जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। ये तो हम जब भी हम आसन करते हैं बिल्कुल रिलैक्स होके करते हैं, फेस के ऊपर कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे, शरीर पर भी कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। अब हम करेंगे आसन, दोनों हाथों को जांघ के नीचे रखना है, चिन्ह को जमीन पर लगाना है। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाना है, सांस भरते हुए उठाइए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ, एड़ियां मिला के रखना है, पैरों को घुटने से सीधा रखना है, एक स्थिर अवस्था में रोकने की कोशिश करना। उठाइए दोनों पैरों को, सभी लोग उठाएंगे, पैरों को घुटने से सीधा रखना है। इस स्थिति में हमारे उदर पृष्ठ पर अतिरिक्त भार आ रहा है, वापस रिलैक्स। अब हम करेंगे मकर आसन, दोनों रिलैक्स करना, दोनों हाथ सिर के नीचे रख लीजिए, अपने दोनों पैरों में अंतर रखिए, एड़िया अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। अभी जो हमने आसन किया रिलैक्स करना, जिस प्रकार हम पीठ के बल सीधे लेट के सौ आसन रिलैक्स करने के लिए करते हैं, उसी प्रकार पेट के बल उल्टे लेट के लिए मकर आसन रहता है। इस आसन की स्थिति में हमारे शरीर के ऊपर कहीं किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आता है, अपनी श्वास सामान्य चलने देना, श्वास को रोकना नहीं है। अभी जो हमने आसन किया है, इस आसन को करने से हमारे उदर पृष्ठ पर अतिरिक्त भार आया था, शरीर के आगे वाला भाग, पैर के अंगूठे उंगलियों से लेकर जंघा तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आया था, शरीर के पीछे वाला भाग, एड़ी से लेकर कमर तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आया था। इन सभी अंगों को ढीला छोड़ना है, लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास को बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति मंद होती जा रही है और मंद होती जा रही है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, हमारा मन हमारे शरीर के साथ लगा होना चाहिए। धीरे धीरे हमारे श्वास प्रश्वास की गति और मंद होती जा रही है। अब धीरे से अपनी आंखें खोलना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाना है, दोनों पैर के एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ साइड में रखना है। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन, दोनों हाथों को कोहनियों से मुड़के कंधे के पास में रखिए, एक कपाल को जमीन पर लगाइए, अब नाक को चिन्ह जमीन से टच करते हैं, श्वास भरते ऊपर की तरफ उठना है, दो एड़ियां मिला के रखना है दोनों पैरों की, अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना, तीन, अब दोनों पैर के पंजों को सिर से लगाने की कोशिश करना, चार, कोशिश करिए सभी लोग। हमारी कोशिश करना है हमारे पेट को जमीन से उठाना नहीं है, यथाशक्ति करना है, जितना हो सके उतना करना है, दोनों हाथ जरूर कोहनी से सीधे रखना है, अपने पैरों को घुटने से मोड़ के सिर पे लगाने की कोशिश करना है और एक स्थिर अवस्था में रखना है, कोशिश करना है दोनों पैर के पंजों को सिर पे लगाने की कोशिश करिए सभी लोग। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, कोशिश करना रोक के रखना है। इस स्थिति में हमारे शरीर के आगे वाला भाग, नाभि से लेकर चिन्ह तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है, शरीर के पीछे वाला भाग, कमर से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है। फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले अपने दोनों पैर के घुटनों को जमीन पर लाना है, फिर दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए धीरे धीरे पहले अपने चिन्ह को जमीन पर लाना है बिल्कुल धीरे धीरे, फिर नाक को, फिर कपाल को, दोनों हाथ पीछे लेके जाना है, सामने देखना है। अभी हमने किया है पूर्ण भुजंगासन, इस आसन को सभी लोग अगर करते हैं तो कमर संबंधी कभी कोई विकार हमारे को नहीं रहता है। वापस बैठक स्थिति में आना है, बैठना है, बैठ जाइए सभी लोग। पैर को लंबे करना, फैलाना है,
वैसे मेरे को सर ने 40 मिनट का बताया था, लेकिन हमारा टाइम आवर हो रहा है। बैठ के करने वाले कुछ आसन रह गए सर, अगर रहेगा तो 10 मिनट के और हैं, करेंगे हम लोग रेगुलर। हेलो हेलो, 10 मिनट और यूज कर सकते सर, 10 मिनट और लग सकते हैं। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं जानू सिरासन। अपने देख लीजिए किस प्रकार करना है। सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है, सीधे पैर को घुटने से मोड़ के बाईं जंगा के ऊपर रखना है सीधे पैर के पंजों को, और अपने सीधे हाथ से बाएं पैर के पंजों को टच करने की कोशिश करना है। इसको हम एक्सरसाइज के रूप में करेंगे ताकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, उसके बाद हम आगे आसन के रूप में इसको लेंगे। तो इसको देख लीजिए किस प्रकार करना है। इसको काउंटिंग के साथ हम 25 करेंगे, शुरू करना है। वन टू, आगे झुकते समय कोशिश करना हमारे चिन्ह को घुटने से लगाना है, फिर इसको 25 करना रहेगा। अभी इसमें ध्यान देना है, तुम करते रहो कंटिन्यू, इसमें ध्यान देना। जब हम आगे की तरफ आए तो हमारे पैर के पंजों को आगे की तरफ खींचना, अपनी तरफ नहीं खींचना, पैर के पंजों कोशिश करना आगे की तरफ खींचते हुए सिर को घुटने से लगाना। जब हम आगे झुक रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमर को ढीला छोड़ना है और अपने घुटने को, अपने सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करना है। चलिए सभी लोग शुरू करेंगे। हम लोग सीधे पैर को घुटने से मोड़िए, सीधे पैर के पंजों को बाईं जंगा के ऊपर लगाना, लेफ्ट पैर पे लगा के रखना है। शुरू करेंगे, सीधे हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को टच करना है, कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा अपने सीधे हाथ के पंजे को बाएं पंजे से ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ लेके जाना है। शुरू करना है, वन टू, सिर्फ हाथ को पीछे लेके आओ बाएं, थ्री फोर फाइव सिक्स, श्वास की क्रिया सामान्य लेने रहना है, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू 23, 24 और ज्यादा सिर को लगाने की कोशिश करिए, 25 चेंज लेना है। अब इसी प्रकार लेफ्ट पैर से करेंगे, अपने सीधे पैर को खोल दीजिए, अब उल्टे पैर को घुटने से मोड़ना है, उल्टे पैर को सीधे पैर की जंगा के ऊपर रखना है, कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा शरीर को आगे की तरफ खींचना है। शुरू करेंगे, वन टू, श्वास की क्रिया सामान्य रखना है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और आगे लेके जाइए हाथ को, और आगे लेके जाइए, एट नाइन, ये जो हमारा राइट हैंड है वो पीछे कमर के पीछे ले जाना है, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन। चलिए चेंज। अब अपने सीधे पैर को घुटने से मोड़ के एल वाली पोजीशन में लेना है। ये थोड़ा एक आपको करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हम सभी लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, हम लोग सभी लोगों को ये करना चाहिए। सीधे पैर को घुटने से मोड़ के बाईं जंगा के पीछे रखना है, देख लीजिए किस प्रकार। हाँ, अब इसमें हाथ को कान के पास से लेके आना, सीधे हाथ से बाएं पैर के पंजे को टच करना, इसको देख लीजिए किस प्रकार करना है। शुरू करेंगे, वन टू, कंटिन्यू करना है। इसमें ध्यान देना है, हाथ को हमारे सिर के पीछे से लेके आना है, आगे पीछे ज्यादा झुकना नहीं है, कोशिश करना है हमारा दूसरा पैर सीधा रहेगा। अब सभी लोग शुरू करेंगे, सीधे पैर को घुटने से मोड़ के अपने पीछे रखना है, एल वाली पोजिशन बनाना है, अपने बाएं हाथ को सीधे पैर के घुटने के ऊपर रखना है और सीधे हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को टच करना है। शुरू करेंगे, वन टू, कंटिन्यू करना है इसको, थ्री फोर, ये बाएं हाथ को आगे की तरफ रखिए, घुटने के ऊपर रखिए, सीधे घुटने के ऊपर रखना है, थ्री फोर फाइव, बाएं हाथ को घुटने के ऊपर रखिए, 25 करना है, बाएं हाथ को घुटने के ऊपर रखिए, टेन इलेवन ट्वेल्व, कंटिन्यू करना मोनू तुमको, थर्टीन फोर्टीन, अपने बाएं हाथ को आगे निकालिए, लेफ्ट हैंड को घुटने के ऊपर रखना है, राइट घुटने के ऊपर रखना है, ट्वेल्व थर्टीन
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. चेंज लेना है, दूसरे पैर से करेंगे, पैर को सीधे पैर को खोलना है, इसी प्रकार लेफ्ट पैर से करेंगे, उल्टे पैर को घुटने से मोड़ना है, शुरू करना है। अब उल्टे हाथ से सीधे पैर के अंगूठे को टच करना है और सीधे हाथ के पंजे को उल्टे घुटने के ऊपर रखना है। सभी लोग इस बात का ध्यान देंगे, अपने सीधे हाथ को उल्टे पैर के घुटने के ऊपर रखना आगे की तरफ। चलिए शुरू करेंगे, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. चलिए चेंज लेना है दोनों। नाइन, टेन, इलेवन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, अपने सीधा रखिए, सेवनटीन, एटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, वापस आना है। अभी हमने ये पश्चिमोत्तानासन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये पश्चिमोत्तान आसन, अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग आगे झुकने वाले किए थे, पीछे बैकवर्ड बेंडिंग, जब तक हम पीछे बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन नहीं करेंगे तो इसके ज्यादा लाभ नहीं मिलते और इंजरी होने के भी चांस ज्यादा रहते। इसके लिए सीधे पैर को घुटने से मोड़ना है, एक वज्रासन में बैठना है, सभी लोग करेंगे, दो बाएं पैर को घुटने से मोड़ के बाएं हिप्स के नीचे रखना है, वज्रासन में इस प्रकार बैठना है आपको। उष्ट्रासन के लिए अभी इसमें चार प्रकार के उष्ट्रासन होते हैं, हम चारों प्रकार से करेंगे। पहले आप देख लीजिए किस प्रकार, पहला प्रकार किस प्रकार करना है, घुटने के बल खड़े होना है, एक दोनों हाथ कमर के पीछे रखना है, दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए, इसमें हाथ की पोजीशन, हाथ के दोनों पंजे हमारे कमर के अंदर की तरफ रहेंगे, ऐसे बाहर नहीं खोलना, इस प्रकार नहीं करना है, ऐसे नहीं रखना है हाथ को, दोनों हाथों को पीछे कमर के ऊपर सपोर्ट देके रखना है और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना, पहले प्रकार में कंधों को भी पीछे लेके आना, दोनों हाथ से कमर को सपोर्ट देके रखना है, फिर से वापस श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, ये प्रकार पहला है। एक बार फिर से इसी को करेंगे, श्वास भरते हुए वापस देख लीजिए किस प्रकार लेके जाना करना है, दोनों हाथों से कमर को आगे की तरफ दबाना है, फाइनल पोजीशन में चिन्ह को प्रेस करना है, वापस रिलैक्स, ये प्रकार पहला है। इसी में प्रकार दूसरा करना है, दोनों हाथ सामने की तरफ रखना है, नमस्कार मुद्रा करना है, अब श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाना है, प्रकार दूसरे में इस प्रकार करना है, वापस रिलैक्स, ये प्रकार दूसरा रहेगा। प्रकार तीसरे में जिस प्रकार हम हाथ की घड़ी आगे बांधते हैं वैसे ही आपको हाथ की घड़ी पीछे की तरफ बांधना है, सीधे हाथ से बाएं पैर की कोहनी को पकड़ना है, बाएं हाथ से सीधे पैर की कोहनी को पकड़ना है, इस प्रकार और श्वास भरते पीछे की तरफ जाना है, जाइए इस प्रकार, फिर से वापस, ये प्रकार हमारा तीसरा रहेगा। अब हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन प्रकार, देख लीजिए इसको किस प्रकार करना है, दोनों हाथों को कंधे के सिर में लेके आना है, दो दोनों हाथ कंधे के सिर में रखना है, सीधे हाथ को कंधे से घुमाना है, तीन एड़ी पकड़ना है, चार बाएं हाथ से पकड़ना है, अभी इसमें अंगूठे उंगलियां उठा के रखना है पैर के, इस प्रकार रखना है,
आसन को छोड़ना है वापस, एक बाएं हाथ को घुमाना है, दाहिने हाथ को, एक दो तीन चार। अभी हमारा टाइम हो रहा है, हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे। पहला सभी लोग अब साथ में करेंगे, सभी लोग शुरू करेंगे। वज्रासन में बैठ जाइए सभी लोग। प्रकार पहले के लिए घुटने के बल खड़े होना, एक उठिए घुटने के बल, आप दोनों हाथों को कमर के पीछे रखना है, दो कमर के पीछे रखिए, हाथ के पंजे से कमर को सपोर्ट देके रखना है। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है, दोनों हाथ से कमर को आगे की तरफ दबाना है। फाइनल पोजिशन में दोनों कंधों को पीछे लेके जाना है, वापस वापस आना है, आ जाइए सभी लोग वापस। अब इसी में प्रकार दूसरा करना है, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आना है, सीने के सामने रखना है दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके आना है, कमर को आगे दबाना है, इसको सावधानी पूर्वक करना है, यथाशक्ति करना है। फिर से वापस सांस छोड़ते हुए वापस आना है, रिलैक्स। अब इसी में प्रकार तीसरा करना है, दोनों हाथों की कैची बनाना पीछे, सीधे हाथ से बाएं पे बाएं हाथ की कोहनी पकड़ना, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कोहनी को पकड़ना है। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाना है, शुरू करिए। श्वास भरते पीछे जाना है, कमर को आगे की तरफ दबाना है, दोनों हाथों से कमर को आगे की तरफ दबाना है, कोहनी पीछे की तरफ रहेगी। फिर से वापस बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आना है, दोनों हाथ वापस अपनी जगह पर, बैठक वापस वज्रासन में बैठ जाइए। अब इसी में हम करने जा रहे हैं पूर्ण उष्ठासन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आसन है, रोइंग वालों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इसको करने से हमारे शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पेट संबंधी कोई विकार नहीं होता। तब शुरू करेंगे, घुटने के बल खड़े होना, एक दोनों हाथ कंधे के सिद्ध में रखना है, दो सीधे हाथ से कोहनी को घुमाना है, सीधे पैर की एड़ी को पकड़ना है, बाएं पैर को हाथ कंधे से घुमाना है, तीन चार में अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ना है, चार कमर को उठा के रखना है। फाइनल पोजीशन में कोशिश करना है हमारा चिन्ह ज्यादा से ज्यादा गर्दन को पीछे की तरफ रखना है। इस स्थिति में हमारी कमर से लेकर गर्दन तक के भाग पर अतिरिक्त दबाव आ रहा है, शरीर के आगे वाला भाग नाभि से लेकर चिन्ह तक के भाग पर अतिरिक्त खिंचाव आ रहा है। रिलैक्स वापस, एक दो तीन चार, बैठक स्थिति में आना है, सभी लोग बैठ जाइए। आज हमारी जो क्लास का है, आज हमको वैसे 40 मिनट का बताया था सर ने कि इसको हम अधिकतम 60 मिनट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम ज्यादा हुआ है। आप सभी लोगों को ऐसी अपेक्षा है, थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम गई होगी। अभी जो हमने ये आसन और फ्लेक्सिबिलिटी वाले सूक्ष्म योगी कायम किए, आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छे लगे होंगे, और अगर आप नियमित अगर करेंगे तो इसके बहुत सारे लाभ मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा सर से बात करके कि एक प्रेजेंटेशन हमारा रोप मलखम और मलखम का एक 10 मिनट का हमारा प्रेजेंटेशन रहे, ताकि ये खेल हमारा जो मलखम खेल है और आगे बढ़े, और आप लोगों के लिए सभी सहायक खेल है। मलखम खेल जैसे अलग अलग एक्सरसाइज के लिए, फिटनेस एक्सरसाइज के लिए है, वैसे अगर आप नियमित मलखम के भी अपने ट्रेनिंग पार्ट में अगर ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, जितना सर ने कराया था ये सब हम करने वाला भी उसका तरीका तो मिल गया। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, आवाज आ रही है सर मेरे को? ओके सर। हेलो हाँ जी सर, ये जो एक्सरसाइज हम करता है, जो रोइंग में भी कूल डाउन में जो योगा के दिन में ये करता है, लेकिन इसका एक्चुअली तरीका तो आज मिल गया, कैसे करना आपने तो डेमोंस्ट्रेशन के साथ करा दिया, बहुत अच्छा हो गया, सभी के लिए बहुत यूजफुल क्लास है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर पता नहीं सर यहाँ पर मौजूद है सर, पटनिया सर क्लास गुड मॉर्निंग Good morning, sir. Yogesh, yaar, you have taken too much time. Always it should be 40 minutes se leke 45 minutes.
जी सर ठीक है हाँ और थोड़ा इनको स्लो करवाया करो थोड़ा थोड़ा स्लो इनको स्लो कराओगे ना देन दे अंडरस्टैंड बेटर जी जी थैंक यू जी सर जी सर जी सर ओके बिकॉज़ इट इज एवरी 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 वीक वी हैव अ योगा सो गो स्लो स्लो ऑनवर्ड्स ठीक है ओके सर पॉलिश एनीथिंग एल्स नथिंग सर ओके देन वी विल डिस्कस ऑन फोन ओके सर ओके देन थैंक यू जोगेश अगेन थैंक यू पॉलिश थैंक यू सर जी सर विश्वजीत सर यस सर आई कैन क्लोज ओके सर हां सर बोलो सर 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 वांट टू से सर विश्वजीत सर यस सर बोलिए अच्छा थोड़ा 5 मिनट का वेट करके ना जैसे इसमें हम बोल सकते हैं कि जितने भी एथलीट हैं वो लीव कर सकते हैं लेकिन जो कोचेस हैं उनको थोड़ा एक बार डिस्कस करने के लिए थोड़ा 5 मिनट का टाइम हमारे को चाहिए ओके सर पॉसिबल है या नहीं सर सर पॉसिबल है लेकिन probably we can